दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ वीवो का X100 अल्ट्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसा फोन है आप देख सकते हैं कि फोन तो काफी बेहतरीन है और ये जो है 69,000 के रुपीज में आता है और ये फोन जो है काफी खूबसूरत है देखने में, इसकी डिजाइन वगैरह काफी अच्छा है। दोस्तों ये बात मैं नहीं, ट्रैकिंग टेक कह रहे हैं कि ये जो है बेस्ट फोटोग्राफी कैमरा है और इससे जो है एवरी डिटेलिंग काफी बढ़िया आती है। तो एक फीचर जो है जो इस फोन को एकदम मतलब कि कुछ नया बनाता है वो क्या है, वो फीचर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इस कैमरा से आप कॉलिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया फीचर जो है लॉन्च किया है वीवो ने वीवो X100 में, जो कि पहला कैमरा स्मार्टफोन है, पहला कैमरा फ्लैगशिप स्मार्ट कैमरा फोन है। स्मार्ट कैमरा यानी कैमरा में स्मार्टनेस है। अब क्या स्मार्टनेस है वो मैं बता दूं, यहाँ ट्रैकिंग टेक ने भी ये कहा है कि इसमें जो है आप कॉलिंग कर सकते हैं, यानी कैमरा से ही कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन, ये आजकल वीवो भी कहता है, तो कहता है ये कैमरा है जिससे आप कॉल कर सकते हो। इतना जबरदस्त कैमरा है और हमने अभी देर तक चेक, आपने बात सुनी कि कैमरा से आप जो है अब क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बजाते हैं। ये लॉन्च में ही कहा गया था, तो ये कैसे हो सकता है? ये टेस्ट वगैरह किया है ट्रैकिंग टेक ने और जो है उन्होंने बताया किस तरह से कॉल कर सकते हैं। एवरी डिटेलिंग जो है काफी परफेक्ट आती है इसमें। जीएस का जो है कैम लेंस है। अब जीएस क्या है, जीएस देखिए सोनी का ही है, सोनी का जो है वो लेंस बनाते हैं, तो लेंस में काफी दिनों से बनाती है। इसमें जो है जीएस का जो है एक कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ है, इसमें लेंस लगा हुआ है। उस लेंस के बारे में बता दो जीएस फोटोग्राफी। अब यहाँ पर जो है जीएस की जो फोटोग्राफी है उसके बारे में कुछ बताता हूँ मैं। जैसे कि सिंस 1819 जीएस हैज बीन प्रोड्यूसिंग लेंसेज फॉर फोटोग्राफर्स, तो लगभग में 1890 से जीएस जो है वो लेंस बना रहा है। उसी लेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया है वीवो X100 करता क्या, देखिए हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप और स्टैंडिंग लाइट इंटेंसिटी। तो जीएस कैमरा, व्हाट इज जीएस कैमरा, तो यहाँ पर देखिए हाई क्वालिटी, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। उसके बाद जो है और स्टैंडिंग लाइट इंटेंसिटी, आपको जो है बहुत ही बेहतरीन लाइट का वहाँ पर आपको लाइट मिलेगी, जिससे कैमरा देखिए जो भी आपका जो फोटोग्राफी होती है उसमें दो चीज़ मेन, उसमें दो चीज़ होती है। एक होता है कैमरा, यानी कैमरा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, दूसरा लाइटिंग। अगर लाइटिंग अच्छी होती है तो आपका फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी आती है। तो उसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर बुके इफेक्ट भी देता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टैंडर्ड आउट ऑफ फोकस लेंसेज, जीएस कैमरा लेंसेज ऑफर हाई प्रिसाइज इंट्यूटिव मैनुअल फोकस। मैनुअल फोकस का प्रदान किया जाता है उसमें और हाईली प्रिसाइज, काफी बारीकी से लेता है फोटो। तो वही जो है ट्रैकिंग टेक ने यह भी कहा कि एक बार फोटोग्राफी उन्होंने की थी तो उसमें जो है एवरी डिटेलिंग ऑफ जो है डिटेल जो है मिला था, मतलब कि एक एक बाल का जो है वो डिटेल मिला था, मतलब इतना एच प्रिसीजन आपको जीएस में ही मिल सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी लाया है वीवो X100 ने। अब मैं आपको जूम के बारे में बताऊंगा कि इसमें जूम कितना है और कितना कारगर है, क्योंकि जूम जो है S24 मतलब किसका जो है काफ़ी अच्छा होता है। आपने देखा था मून का जो है फोटोग्राफ मतलब जूम, तो अब जो है मैं दिखाऊंगा कि आपको इसका यानी कि X100 का जूम कैसा होता है, दोनों में कंपेरिजन करा के दिखाता हूँ। तो क्योंकि ये कैमरा फोन है जिसमें कैमरा पर ज़्यादा फोकस है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। फोटो कभी कभी आ जा रहे हैं, तो कहने का मतलब कि DSLR खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये 66,000 का फोन इसलिए किया गया कि इसमें कैमरा लेंस बहुत ही हाई क्वालिटी का लगा हुआ है और जीएस कैमरा जो कि सोनी का ही है, तो उसमें जो है 1890 से वो जो है लेंस बना रहा है, तो नो डाउट इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। अब देखते हैं अब कुछ दोस्तों, आज इसका अनबॉक्सिंग प्रेजेंटेशन करेंगे, बट यू हैव टू फोकस ऑन कैमरा क्योंकि इसका कैमरा इज नेक्स्ट लेवल वीवो X। तो यहाँ पर यही है कि कैमरा नेक्स्ट लेवल है, कैमरा फोन है दोस्तों। वीवो वैसे भी कैमरा फोन होता है, इसमें सेल्फी फोन होता है, लेकिन इसमें जो है कैमरा आउटस्टैंडिंग दिया गया है, नो डाउट। अब जो है इसके बारे में और कुछ बातें करते हैं, देख लेते हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, अगर आप जूम करके देखें तो इसमें इस तरह से जो मॉड्यूल है काफी बेहतरीन है। इस तरह से गोल्ड मॉड्यूल हर में आ रहा है, जाके आपको रियलमी में भी इस तरह से मॉड्यूल आ रहा है, लेकिन इसका जो कैमरा है वो काफी प्रिसाइज है, काफी बढ़िया है और काफी अच्छा फोटोग्राफी देता है, क्योंकि ये फोन ही कैमरा फोन है। और इसमें एक चीज और कहा है कि स्मार्ट कैमरा फोन है, या दोस्तों इसमें कैमरा से भी कॉलिंग की जा सकती है।
तो अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.7 इंच का जो इसका डिस्प्ले है, कर्व्ड एमोलेड है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है आपको, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, QHD प्लस है इसका जो मतलब डिस्प्ले, और इसमें जो है आपको 2K 120 हर्ट्ज 300 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है, जो कि काफी मतलब कि कलर में भी सबसे हाई रेंज। तो फिर रैम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर रैम 16GB का LPDDR5X मिल जाता है आपको, 16GB का रैम, और दूसरा कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3/4nm का मिल जाता है आपको। तो सबसे जो बेस्ट चीज है वो है कैमरा इसका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 200 मेगापिक्सल HP9 f2.67 3.7x तक जाता है ऑप्टिकल जूम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आप ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, यानी कि आप फोटो लेने में इतना जूम कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये इसका मेन कैमरा है जिसमें 200 मेगापिक्सल का, फिर 50 मेगापिक्सल का LYT 900 f1.75, और तीसरा जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का ही है LYT 600 f2.21 116 डिग्री, ठीक है। ये जो है आपका जा करके आप वाइड रेंज में ले सकते हैं इसको। तो ये तीन यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है जो कि सुपर है। अब आगे देखते हैं तो इस फोटो में जो कि टेक वंडर के सॉरी जो कि ट्रैकिंग टेक के द्वारा लिया गया है, उसमें कहा गया कि एक एक स्ट्रैंड्स बाल के जो स्ट्रैंड्स है ये आप देख सकते हैं काफी डिटेलिंग है, काफी बढ़िया से आता है ये जो आपका डिटेल है यहाँ पे, ये बहुत एक एक बाल आपका क्लियर दिख रहा है। इससे पता चलता है कि फोटो कितना दमदार आने वाला है, और दूसरी बात की इसका लेंस कितना खूबसूरत है। तो चलिए, तो जब भी आप फोटो निकालते हो तो उसमें दो चीज आपको जरूर देखना पड़ता है। पहला चीज की आप किस तरह से फोटो ले रहे हैं, तो फोटो आजकल तो लेने का जो ढंग नजरिया वो तो चेंज हो गया, क्योंकि उसमें आप किसी तरह भी फोटो लीजिएगा वो क्लियर रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको आपका जो है हाथ हिल रहा है या और कुछ हो रहा है तो उससे फोटो खराब होने वाला है, क्योंकि AI जब से आ गया है तब से आपका फोटो अच्छा ही आने वाला है। दूसरी चीज अब दूसरा जो है डिपेंड कर जाता है उसके कैमरे पे, तो कैमरा जितना भी अच्छा होगा उस हिसाब से आपका फोटो क्लियर होगा। तो बहुत सारा चीज है जैसे स्किन टोन है, उसके बाद जो है इसमें ब्राइटनेस है, और उसके बाद जो कलर डिटेलिंग है, सारा चीज बहुत ही एक्यूरेट आता है इसमें वीवो में। तो इस तरह से ये कैमरा फोन जो है काफी दमदार, और दिस इज द बेस्ट कैमरा एवर सीन इन एनी स्मार्टफोन, तो ये इन्होंने कहा है। तो इसका डिटेल मैं अब इसके बारे में आपको प्ले करके बताऊंगा कि इन्होंने क्या कहा है। तो लेकिन ये सच में जो है बेस्ट कैमरा है, क्या ये बेस्ट कैमरा है? तो जिस तरह से ये कह रहे हैं तो ये चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जिनके पास है वो फोन वो उसको यूज करके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ, हम लोग चेक करेंगे ये। तो अभी इसको चेक करके देखते हैं हम लोग इसका जूम कितना हो सकता है। ये देखते हैं हम लोग जूम टेस्ट किस तरह से हो रहा है यहाँ पर, किस तरह से कैमरा को आप जूम कर सकते हैं और क्या डिटेलिंग आने वाली है, ये सारी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिये ये काफी दूर तक जूम हुआ है दोस्तों, ये आप देखें का जो S24 Ultra है और ये जो X100 है, इन दोनों का जूम मून टेस्ट के स्तर से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों से टेस्ट किया जा रहा है और किसकी वीडियो जो है डिटेलिंग अच्छी आती है वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये सबसे पहले कैप्चर किया जा रहा है X100 से, तो ये मून की डिटेलिंग है आपकी। ये 100x पे काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, और ये देखिए ये दोनों डिटेलिंग जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों डिटेलिंग आपको दिख रहा है यहाँ पर। वीवो का X100 से ये आया है और ये अल्ट्रा से आया है, तो अगर देखा जाए तो लगभग में बराबर है, थोड़ा सा इस अल्ट्रा का थोड़ा सा बेहतर लग रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है, ये अल्ट्रा का है और ये, तो कहने का मतलब कि उस रेंज तक पहुंच गया है अब जो है, चूंकि अल्ट्रा का तो 24 अल्ट्रा का दाम तो काफी ज्यादा है दोस्तों, लगभग में 1.5 लाख से भी ज्यादा है। तो ये जो है अगर 66,000 में उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो दिस इज समथिंग अमेजिंग। तो ये पता चल रहा है कि अब फ्लैगशिप यानी कि 60,000-70,000 में भी अच्छे जो है लेंस के साथ फोटोग्राफी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फोन जरूर बताइएगा, और ये वाला रिव्यू कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। इसी तरह का और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्यार बनाते रहिए, प्यार बांटते रहिए।